एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक अपडेट लेकर आई, एक टेक न्यूज़ में लेकर आई हूँ। लाभा की तरफ से अभी एक अपडेट आया है कि लाभा अग्नि 2 जो स्मार्टफोन से, ये स्मार्टफोन इंडिया में जल्दी लॉन्च करने को जा रहे हैं, जो कि एक 5G सेटअप स्मार्टफोन से। तो जो 2021 में एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था लाभा ने, लाभा अग्नि 5G स्मार्टफोन, उसका पहला 5G जो स्मार्टफोन थी वो इंडिया में नवंबर के महीने में 2021 में स्मार्टफोन लॉन्च हुई थी। वो जो स्मार्टफोन थी 5G सेटअप के साथ थी और काफ़ी अच्छा फीचर्स भी था, लेकिन उसमें जो उसका जो स्क्रीन साइज था 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ था वो लाभा अग्नि 5G स्मार्टफोन। लेकिन अभी अपडेट आ रहा है कि लाभा की तरफ से अपकमिंग में एक 5G वाला स्मार्टफोन से, वही लाभा अग्नि सीरीज का लाभा अग्नि 2 5G स्मार्टफोन। तो कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह आ चुकी है, वेरिएंट वगैरह भी आ चुकी है, स्मार्टफोन सब इंडिया में लॉन्च करने का चाहते हैं। तो बात कर लेते हैं फीचर्स में। लाभा अग्नि 2 5G जो स्मार्टफोन होगा, इसमें पावरफुल प्रोसेसर मीडियाटेक डायमंड सिटी का प्रोसेसर होगा, जो कि लाभा अग्नि 5G स्मार्टफोन्स में भी वो मीडियाटेक डायमंड सिटी का ही प्रोसेसर था, लेकिन नंबर के हिसाब से देखें तो डिफरेंट था। और स्क्रीन साइज के सेम करें तो उसका जो डिस्प्ले साइज है, मतलब स्क्रीन साइज है, वो भी काफ़ी सिमिलर दिखने को मिलते हैं। लाभा अग्नि 5G में भी 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ फुल HD IPS था, और यहाँ पे जो लाभा अग्नि 2 5G जो है, इसमें भी 90Hz रिफ्रेश रेट होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है उसका जो स्मार्टफोन वगैरह आ रहे हैं 120Hz हाई रिफ्रेश रेट हो जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और लाभा अग्नि 5G जो स्मार्टफोन थी वो 64 मेगापिक्सल के साथ ही साथ क्वाड कैमरा सेटअप के साथ वो लॉन्च हुई थी। और यहाँ पे लाभा अग्नि 2 5G जो अपडेट आया, अभी आई है, वो क्या है ना कि 50 मेगापिक्सल के साथ आपको कैमरा सेटअप होगा। अभी तक ये अपडेट नहीं है कि क्वाड फोर होगा या फिर ट्रिपल होगा, बस 50 मेगापिक्सल के साथ आपको प्राइमरी सेंसर देखने को मिलने वाली है। और वो जो लाभा अग्नि 5G था वो 16 मेगापिक्सल, मतलब 16 मेगापिक्सल तक उसके फ्रंट कैमरा सेल्फी था, 5000mAh बैटरी, 33W चार्जिंग सपोर्ट था, जो कि काफ़ी अच्छा था। लेकिन लाभा अग्नि 2 जो 5G वाला है, अभी तक अपडेट ये नहीं आया है कि मतलब बैटरी बैकअप क्या होने को जा रहे हैं, लेकिन 8GB रैम के साथ वेरियंट के साथ स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं। देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन्स में काफ़ी फीचर सिमिलर है, लेकिन सेल्फी के बारे में तो अभी तक पता नहीं है। और प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, एक्सपेक्टेड हो रहा है कि मीडियाटेक डायमंड सिटी का पावरफुल के साथ देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि लाभा अग्नि 5G स्मार्टफोन्स में भी वही प्रोसेसर यूज़ किया था। तो देखते हैं ये स्मार्टफोन और क्या अपडेट आती रहती है। लाभा अग्नि 2 5G जो स्मार्टफोन से, ये स्मार्टफोन इंडिया के लिए मिड मार्च को देखने को मिलने वाले हैं, या फिर अगर मिड मार्च में वो लॉन्च नहीं किया तो अप्रैल में लॉन्च करने को जा रहे हैं। हो सकते हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर आ चुकी होगी। तो ये स्मार्टफोन के बारे में बस इतना से अभी अपडेट आए, तो देखेंगे कि ये स्मार्टफोन के लिए और कौन सी अपडेट आती रहती है, मतलब उसका वेरिएंट क्या होगा, कितने कलर वेरिएंट के साथ, कौन से प्राइस सेटअप के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि लाभा अग्नि 5G जो स्मार्टफोन थी वो 20,000 के आसपास में देखने को मिलती थी, लेकिन अभी उसका प्राइस शायद 17,000-18,000 के आसपास अभी है, लेकिन जब वो लॉन्च हुई थी वो 20,000 में लॉन्च हुई थी। तो देखेंगे लाभा अग्नि 2 5G जो स्मार्टफोन से वो कौन सी प्राइस सेटअप के साथ लॉन्च होती थी। हो सकता है 25,000 के आसपास ये स्मार्टफोन लॉन्च करने का जा रहे हैं, एक्सपेक्ट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 20,000 में तो लाभा अग्नि 5G लॉन्च हुई थी, लेकिन लाभा अग्नि 2 5G जो स्मार्टफोन होगी शायद 25,000 के अंडर में लॉन्च होने का जा रहे हैं। तो देखते हैं और क्या अपडेट आती रहती है। तो कोई भी अपडेट है मैं आपको जरूर शेयर करने वाली। तो चाहते हैं फ्यूचर में इस अपडेट देने के लिए, नया वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आपको ये स्मार्टफोन और ये अपडेट कैसी लगेगी।